अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? इस वक्त सर आप कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं, इन तमाम की जो अटेंडेंस है वो मैंने लगा दी है। ओके जी, लेक्चर में स्टार्ट करने लगा हूं। लास्ट टाइम हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे आपके हार्ड डिस्क की स्केजलिंग पे और डिस्क की स्केजलिंग के ऊपर, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें डिस्क स्केजलिंग जो है एल्गोरिथम, इसी के ऊपर हम लोग थे, तो उसी टॉपिक से मैं स्टार्ट करने लगा हूं। डिस्क स्केजलिंग एल्गोरिथम, बहुत सारे एल्गोरिथम है, आगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में इनको हर एल्गोरिथम के ऊपर एक दो जो है प्रोग्राम आपको मिलेंगे करने के लिए, जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेट्स कॉल्ड प्लेटर्स। वो कहता है कि हार्ड डिस्क क्या है, बेसिकली एक कलेक्शन है प्लेट्स की जिसके अंदर मल्टीपल प्लेट जो है वो मौजूद है। द सर्फिस ऑफ ईच प्लेट इज डिवाइडेड इन टू सर्कुलर टास्क, और ये जो प्लेट्स है ये सर्कुलर टास्क के अंदर डिवाइड की गई है, और हर ट्रैक्स के ऊपर जो है कोई ना कोई वर्क जो है वो हो रहा होता है। यानी मैं आपको ये बता दूं सिंपल लफ्जों में कि जब भी हम हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने से पहले हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है, तो उस फॉर्मेट की डेफिनेशन ही यही है, टू क्लीन द हार्ड डिस्क या टू क्रिएट द ट्रैक सेक्टर ब्लॉक्स ऑन द हार्ड डिस्क। इट मींस के आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर तीन चीजें होंगी, एक आपके ट्रैक्स होंगे, एक आपके सेक्टर होंगे और एक आपका ब्लॉक होगा। इस तरह मल्टीपल आपके ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल ट्रैक्स हैं और मल्टीपल आपके जो है वो सेक्टर्स हैं। फर्दर मोर ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पीसेज कॉल्ड सेक्टर। तो ये वही डेफिनेशन जो है वो हो रही है कि हर ट्रैक जो है वो मल्टीपल सेक्टर के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीस कॉल्ड सेक्टर। डिस्क आयो इज डन सेक्टर बाय सेक्टर। डिस्क के अंदर जो है वो सेक्टर बाय सेक्टर जो है वो इनपुट आउटपुट जो है वो आपके आर्म्स जो है वो लगी होती हैं। द अ ग्रुप ऑफ ट्रैक आर पोजिशनड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर फ्रॉम अ सिलेंडर। There is a head connected to an arm for each surface which handle all IO operation. यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि तमाम के तमाम tracks और sector जो है वो basically arms के साथ connected होते हैं, और arms जो है वो हर sector हर track के ऊपर जो है वो move up and down move हो रहा होता है, जिससे हमें data read and write होने की condition में हमें मिल रहा होता है। For each IO request, first head is selected. सबसे पहले head जो है वो select होता है, it is then move over the destination track, और बाद में वो destination track के अंदर जो है वो move हो जाता है। This is then created to position the desired sector under the head, and finally the read and write operation is performed. वो कहता है कि ये क्या होता है कि रोटेशन जो है वो हो रही होती है और हेड जो है वो उसके ऊपर फाइनली रीड एंड राइट डाटा जो है वो कर होता है। देयर आर टू ऑब्जेक्टिव फॉर एनी डिस्क स्केजलिंग। वो कहता है कि दो इसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि कोई भी हार्ड डिस्क को, कोई भी चाहे वो फ्लॉपी है, चाहे वो सीडी है, चाहे वो डीवीडी है, चाहे वो आपकी यूएसबी है, उन सब के ऊपर ये दो तरह के डिस्क के स्केजलिंग एल्गोरिथम है जो अप्लाई होते हैं। एक है मैक्सिमम और दूसरा है मिनिमाइज। Maximize the throughput, the average number of requests satisfied per time unit. Minimize the response time, the average time that a request must wait before it is satisfied. दो main है, एक आपका maximize है कि data कितनी जल्दी आप लोग recover कर रहे हो और कितनी जल्दी data को read and write कर रहे हो। दूसरा minimize है कि वो कितना time लेगा data को read and write करने में। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। आप लोगों ने आगे एल्गोरिथम जो है पहले भी स्टडी किया हो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। परफॉर्म ऑपरेशन इन ऑर्डर रिक्वेस्ट। वो कहता है कि ऑर्डर की जो भी रिक्वेस्ट आती है उसके ऑर्डर के ऊपर ये परफॉर्मेंस दिखाता है। नो रीऑर्डरिंग ऑफ वर्क क्यू, किसी किस्म का दोबारा से ऑर्डर नहीं लेगा
क्यू के अंदर जो ऑर्डर लग चुके हैं उन्हीं के ऊपर काम करेगा। नो स्टार्वेशन, एवरी रिक्वेस्ट इज सर्विस्ड, हर रिक्वेस्ट को पहले चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। पुअर परफॉर्मेंस, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी पुअर है। नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारे पास है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। आफ्टर अ रिक्वेस्ट गो टू द क्लोजेस्ट रिक्वेस्ट इन द वर्क क्यू रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, रिड्यूस टोटल सीक टाइम कंपेयर टू द FCFS। डिसएडवांटेज क्या है जिसके, ये दो तरह के काम करता है, एक तो जितना करीब तर उस क्यू के रिक्वेस्ट क्यू जो है उसको लेगा और उसके मुताबिक जो है वो डेटे को डायरेक्ट करेगा, दूसरा क्या है कि जितना सीक टाइम इसका कम होगा उससे ज्यादा ये जो है वो काम करेगा। इसके डिसएडवांटेज भी है, स्टार्वेशन इज पॉसिबल, स्टे इन वन एरिया ऑफ द डिस्क इज वेरी बिजी। वो कहता है किसी एक जगह पे ये स्टक हो जाता है और डेटे को जो है वो बिजी कर लेता है या खुद से जो है बिजी हो जाता है। स्विचिंग डायरेक्शन स्लो थिंग डाउन, और अपनी जो डायरेक्शन है उसकी स्विचिंग जो है वो बड़े स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट है जी हमारा स्कैन, गो फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड सर्विसिंग रिक्वेस्ट एंड देन बैक फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड सर्विसिंग रिक्वेस्ट। वो कहता है कि दोनों कंडीशन में, चाहे वो आउटसाइड है चाहे वो इनसाइड है, दोनों कंडीशन में अपनी क्यू की रिक्वेस्ट को जो है वो उसकी सर्विस करते हैं, उसको चेक करते हैं, अगर तो वो 100% हो गया तो उस सर्विस को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो क्लियर करते हैं। रिपीट दैट दिस ओवर एंड ओवर, बार बार उसको जो है रिपीट करता है। रिड्यूस वैकेंसी कंपेयर टू SSTF, और इसकी जो वेरियंसी है वो SSTF से बहुत कम है। नेक्स्ट हमारा एल्गोरिथम है जिसकी Scan but stop moving inwards or outwards when no more request in the direction exists। वो कहता है कि लुक में क्या होता है कि inward outward में जो भी direction इसको मिल रही होती है अगर तो exist नहीं करती तो उसके ऊपर ये काम करता है, अगर exist करती है तो ये फिर slow down हो जाता है। C scan, circular scan, moves inwards servicing request until it reach the innermost cylinder then jump to the outside cylinder of the disk without serving and request। Number 2 है जी repeats this over and over। Number 3 variant services request from inside to outside and then skip back to the innermost cylinder। वो कहता है कि सर्विस जो है वो वेरिएंट कर रही होती है इनसाइड पे आउटसाइड के ऊपर और अपने उसी एक्शन को जो है वो सी स्कैन के अंदर बार बार ये रिपीट भी करता है। नेक्स्ट हमारा है जी सी लुक, मूव inward servicing request until there is no more request in that direction then it jump to the outmost outstanding request। वो कहता है कि सी लुक में क्या करता है, सबसे पहले इन वर्ड की जो रिक्वेस्ट है उसकी सर्विस की रिक्वेस्ट को टोटली कंप्लीट करता है और उस वक्त तक वो किसी और डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं करता या जंप नहीं करता चाहे वो आउटस्टैंडिंग में मौजूद भी हो। पहले उसने इनवर्ड्स जो भी उसके डाटा उसको पहले मिल चुका वो उसी को कंप्लीट करेगा, उसी की वर्किंग करेगा, बाद में वो आउटवर्ड्स की तरफ जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा। रिपीट दिस ओवर एंड ओवर, इसी तरह से ये भी रिपीट करें जिस तरह बाकी एल्गोरिथम जो है वो अपनी चीज को एक सर्कुलर फॉर्म में जो है वो रोटेट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। वेरियंट इसकी क्या है जी, सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड देन स्किप बैक टू द इनर मोस्ट रिक्वेस्ट। वो कहता है कि ये इनर मोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर ज्यादा ही वर्क जो है वो करता है। RSS, इट स्टैंड फॉर रैंडम स्केजुलिंग एंड जस्ट लाइक इट्स नेम इट इज नेचर। वो कहता है कि ये ज्यादातर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो आपका RSS है, रैंडम स्केजुलिंग, या ये स्टैंडर्ड रैंडम स्केजुलिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। इट इज यूज टू सिचुएशन वेयर स्केजुलिंग इन्वॉल्व रैंडम एट्रीब्यूट सच एज रैंडम प्रोसेसिंग टाइम, रैंडम ड्यू डेट, रैंडम वेट एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन बैक डाउन, दिस एल्गोरिथम सिट परफेक्ट। वो कहता है कि इस सिचुएशन में क्या करता है, ये ऐसी सिचुएशन में वर्क कर रहा होता है जहां पर रैंडमली उसका वेट हो, रैंडमली वो वर्क कर रहा हो, रैंडमली उसका स्पेसिफिकेशन हो, रैंडमली उसकी डेट्स हो, उनके ऊपर ये एल्गोरिथम जो है वो बआसानी काम कर रहा होता है, विच इज वाई इट इज यूजली यूज फॉर एंड एनालिसिस एंड सिमुलेशन। और यही वजह है कि ये ज्यादातर एनालिसिस और सिमुलेशन के अंदर एल्गोरिथम्स में ज्यादा काम करता है। नेक्स्ट हमारा है जी लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम,
न्यूएस्ट जॉब आर सर्विस्ड बिफोर द एग्जिस्टिंग वन। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा सर्विसेज जो है इसकी बिल्कुल उसके करीब जाके अपनी सर्विस को एग्जिस्ट करता है। इन ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट दैट गेट्स सर्विसेज द जॉब दैट इज न्यूएस्ट एंड लास्ट एंटर्ड इज सर्विस फर्स्ट एंड देन द रेस्ट एंड सम अदर। वो कहता है कि ये देखता है कि कौन सी जॉब जो है वो उसके करीब है और कौन सी न्यूएस्ट है। जो सर्विसेज जल्दी हो रही होती है उन्हीं को ये डील करता है, बाकी सर्विस को जो है वो बैक में रखता है। जैसे कि इसका नाम है फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैक्सिमम एडवांटेजेस में क्या है, ये मैक्सिमाइज लोकेलिटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मैक्सिमम ये उसकी यूज करता है और रिसोर्स को यूटिलाइज करता है। डिसएडवांटेज क्या है, कैन सीम अ लिटिल अनफेयर टू अदर रिक्वेस्ट एंड इफ न्यू रिक्वेस्ट कीप कमिंग इन इट कॉज ट्रांजिशन टू द ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग वन। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि कौन सा डेटा पहले आ रहा है और कौन सा डेटा बाद में आ रहा है। इसने उन तमाम को देखते हुए अपने डेटे को जो है वो लेके चलना होता है और उसी के ऊपर आपकी वर्किंग जो है वो कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा एंड स्टेप स्कैन। इट इज ऑल्सो नोन एज एंड स्टेप स्कैन, जिसमें यानी कोई लिमिट नहीं है, जितने एल्गोरिदम आ रहे हैं उन तमाम एल्गोरिदम को ये फॉलो करता है। इन दिस बफर इट इज क्रिएटेड फॉर एन रिक्वेस्ट। एन का मतलब है आपके पास कोई भी नंबर ऑफ एल्गोरिदम जो है आ सकते हैं, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ सकती है, नंबर ऑफ डेटा आ सकता है। तो ये तमाम के ऊपर जो है इसने अपने एल्गोरिदम को देखते हुए स्कैनिंग करते हुए उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको डील करना है। ऑल रिक्वेस्ट बिलोंग टू अ बफर विल बी सर्व इन वन गो। ऑल्सो वंस द बफर इज फुल नो न्यू रिक्वेस्ट आर कैप्ट इन द बफर एंड आर्जन सेंट टू एन अदर वन। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि बफर जो है वो बासानी उसके ऊपर रिक्वेस्ट के ऊपर काम कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि कौन सी रिक्वेस्ट पहले आई। जो रिक्वेस्ट पहले आई है उसको भी डील करेगा और एन अदर रिक्वेस्ट को भी डील करना शुरू कर देगा। नाउ when these n requests are served, जैसे ही वो तमाम की तमाम, n में कोई भी मैंने आपको बताया नंबर हो सकता है, एक हो सकता है, दस हो सकता है, पंद्रह हो सकते हैं, जब ये सारी रिक्वेस्ट आपकी क्लियर हो जाएंगी फिर दोबारा से वो न्यू रिक्वेस्ट की तरफ जो है वो मूव करेगा और डेटा को जो है वर्क करना शुरू कर देगा। टाइम कम फ्रॉम एन अदर टॉप एन रिक्वेस्ट एंड देयर वॉल ऑल गेट रिक्वेस्ट गेट अ गारंटेड सर्विस। वो कहता है कि इसीलिए वो जो है उनको बाद में शेयर करेगा, उनमें से जो टॉप एन रिक्वेस्ट होंगे उन्हीं के ऊपर ये अपनी काम करेगा, वर्किंग करेगा। एडवांटेज क्या है, एलिमिनेट स्टार्वेशन ऑफ रिक्वेस्ट कंप्लीटली। वो कहता है कि इसमें क्या है कि बस यही एक फर्क है कि जो एलिमिनेट कर देता है उनको जो कि उसकी क्यू में नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ स्कैन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम टू सब क्यूज। वो कहता है कि ये जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली अपने साथ दो और एल्गोरिथम को जो है सब एल्गोरिथम को जो क्यूज को जो है वो लेके चलता है। ड्यूरिंग द स्कैन ऑल रिक्वेस्ट इन द फर्स्ट क्यू आर सर्व्ड एंड द न्यू इनकमिंग रिक्वेस्ट आर एडेड टू द सेकंड क्यू। वो कहता है एक तो ये मल्टीपल क्यूज बना लेता है और उन तमाम के अंदर जो जिस तरह डेटा आपका ट्रेवल कर रहा होता है और उन्हीं को वो स्कैन कर रहा होता है, उन्हीं जो न्यू उनके पास वो आ रहे थे उसी में डेटा को वो जो है वो वर्क करा रहा होता है। ऑल न्यू रिक्वेस्ट आर केप्ट ऑन हॉल्ड अंटिल द एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट इन द फर्स्ट क्यू आर सर्व। जैसे ही वो फर्स्ट क्यू में सर्व होता है तमाम का तमाम डेटा जो है वो एग्जिस्टिंग क्यू में लग जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, एफ स्कैन अलोन विद एन स्टेप स्कैन प्रिवेंट आर्म स्टिकनेस फेनोनिमा इन आईओ स्केड्यूलिंग वेयर द स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम कंटिन्यू टू सर्विस request at or near the current sector and thus prevent any seek. वो कहता है कि main advantage ये है कि एक इसमें multiple algorithm जो है वो काम कर रहे होते हैं, multiple algorithm को अपने साथ लेके ये चल होता है, तो इसी वजह से जो data है वो work कर होता है और proper तरीके से जो data है वो queue की form में होता है और queue जो है वो उसको run कर रही होती है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको, ओके के तमाम के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्कैजुअलिंग एल्गोरिथम क्योंकि हमारे चाह रहे हैं, अब हम इसी के साथ ऐड कर रहे हैं अपना
डिस्क स्ट्रक्चर भी इसी के साथ ऐड हो रहा है। तो देखते हैं जी डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिथम। अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेट्स, ये हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ी बहुत ही इसमें चेंजेस होगी, फॉर ईच आईओ रिक्वेस्ट फर्स्ट हेड सिलेक्टेड, ये वही हम लोग पहली स्लाइड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं यहां से ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे जो इसके एल्गोरिथम है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक दफा मैं इनको इसी तरीके दोबारा जो है वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरह इसको स्क्रोल डाउन जो है वो करता जा रहा हूँ जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी डिस्क स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर दोज डिवाइसेस हुज मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, मीनिंग द स्टोर डेटा विल बी इंटैक्ट इवन इफ द सिस्टम इज टर्न ऑफ। वो कहता है कि सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब भी यही है कि वो हार्ड डिस्क जो कि आपके सिस्टम में लगी हुई है, अब आपका चाहे सिस्टम ऑफ है चाहे सिस्टम ऑन है, आपने जो डाटा अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर दिया वो डाटा एट इज आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव पड़ा हुआ और उसको आप जब चाहो आसानी जो है वो एक्सेस कर सकते हो। हियर आर अ फ्यू थिंग वर्थ नथिंग अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरेज, यानी इसको हम दूसरे लफ्ज में एक्सक्लूसिव स्टोरेज भी कहते हैं, क्योंकि जब भी लाइट जाती है इसका डाटा जो है वो जाया नहीं होता। सेकेंडरी स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव वेल कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी लाइक रैम। सेकेंडरी स्टोरेज की प्राइस जो है वो भी मेन आपकी रैम से जो है वो कम है, और रैम का इस वक्त फॉर एग्जाम्पल रेट 12,000 या 16,000 चल रहा है अगर आप 8 GB या 16 GB की बात करते हो, जबकि वही अगर आप 1 TB की हार्ड लेते हो तो वो आपको 7-8 हज़ार रुपये में जो है मार्केट से आसानी से अवेलेबल है। तो यही वजह है कि सेकेंडरी स्टोरेज की जितनी डिवाइसेज हैं इनकी प्राइस कम है और ये आपका परमानेंट स्टोरेज डाटा को आसानी जो है वो स्टोर कर सकती है। द स्पीड ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज इज स्लोअर लेसर देन द प्राइमरी स्टोरेज। स्पीड के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो आपकी रैम है, उसमें डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली लिखा जा रहा है, राइट किया जा रहा है, फिनिश किया जा रहा है, इसलिए स्पीड उसकी ज्यादा होगी। इसकी स्पीड जो है वो कम है क्योंकि इसमें प्लेट्स लगी हुई है या आपका कोई एस डी कार्ड लगा हुआ, तो डाटा को रीड एंड राइट करने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हंस द डाटा विच इज लेस फ्रीक्वेंट एक्सेस इज कैप्ट इन द सेकेंडरी स्टोरेज। वो कहता है कि यही वजह है कि हम लोग डाटा जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जो है वो मूव करते हैं ताकि रैम में डाटा कम रहे और डाटा जो है वो वहां से ही एक्सेसिबल हो। अ फ्यू एग्जांपल आर मैग्नेट डिस्क, मैग्नेट टेप, रिमूव द थंबनेल। वो कहता है यहाँ पे कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स जो है वो मैंने दी हुई है कि डाटा कैसे इसके ऊपर राइट होता है। अभी पीछे हम लोग आर्म्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट आपको डायग्राम्स नजर आ रही है, इन्हीं डायग्राम्स के अंदर आपको जो है ये इसकी आर्म्स है, ये वो हमारा ट्रैक सेक्टर्स बने हुए हैं जिसके ऊपर हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो डाटा रीड एंड राइट होता है। मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज इज इन आर्म्स एंड मैग्नेट डिस्क। वो कहता है कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर डाटा जो है वो ज्यादातर मैग्नेट डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता है। हंस नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट डिस्क इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ द डाटा इज द डिस्क इज असाइंड बाय द कंप्यूटर, के डाटा जो है वो कंप्यूटर कैसे एक्सेस कर लेता है अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर से। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक हमारा टेबल होता है फैट फाइल एलोकेशन टेबल, उसके अंदर तमाम वो इंडेक्स होते हैं, तमाम वो एड्रेसेस होते हैं कि जहां पे डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है। जैसे ही हम फाइल को रिट्रीव करते हैं वो फौरन उस एड्रेस पे जाता है और डाटा को रिट्रीव करके हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले कर देता है। अब मैग्नेट डिस्क कंटेन सेवरल प्लेट्स। वो कहता है कि एक मैग्नेट डिस्क जो है वो बहुत ज्यादा प्लेट जो हम अपने पास रखती है। ईच प्लेट इज डिवाइडेड इंटू सर्कुलर शेप ट्रैक्स। वो कहता है कि हर प्लेट के ऊपर मल्टीपल ट्रैक्स जो है वो बने होते हैं जिन्हें हम सेक्टर ट्रैक्स और ब्लॉक्स कहते हैं, और उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर वो डाटा हमारा सेव होता है। द लेंथ ऑफ द ट्रैक्स नियर द सेंटर इज लेस देन अ लेंथ ऑफ द ट्रैक फर्दर फ्रॉम द सेंटर। ये बिल्कुल सेंटर के करीब होते हैं और उसी के ऊपर जो है वो आपके जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका सेक्टर बना हुआ है, ये ट्रैक और आपके सेक्टर को क्रॉस करके एक ब्लॉक जो है वो बना हुआ है, वो हाईलाइट हुआ हुआ है, दूसरी के अंदर भी आपको सेम इसी तरह से नजर आ रहा है। ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, और हर ट्रैक जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इस वक्त मैंने हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर दिखाया कि यहाँ पे आपका स्पिंडल है जिसमें ये प्लेट्स आपकी जो है वो कंज्यूम हुई है, लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह ये इसके आर्म्स हैं जिसके ऊपर रीड एंड राइट हेड जो है वो हमारे लगे हुए होते हैं, बाकी इसकी पावर केबल है, सेक्टर केबल है, जंपर्स वगैरह की सेटिंग है। ये वो प्लेट का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपका डाटा जो है वो राइट होता है।
यहां से लेकर यहां तक, ये जो मैंने जिसको हाईलाइट हुआ हुआ है पिंकी शेप में, ये आपका ट्रैक सेक्टर है और इसी के अंदर आपका डाटा जो है वो महफूज होता है। यहाँ पे आपको वाज़े क्लियर कट जो है वो इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा कि प्लेयर जो है हमारे डेटे को किस तरह से जो है वो स्टोर करती है। ट्रैक्स ऑफ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रॉम अ सिलेंडर, वो कहता है कि ये सिलेंडर के बिल्कुल मिड में से ट्रैक का जो है वो आपका स्टार्ट होता है और वो रीड एंड राइट हेड की मदद से जो है उसके ऊपर वर्क करता है। रीड एंड राइट हेड इज यूज टू रीड एंड डेटा एंड फ्रॉम अ सेक्टर और मैग्नेटिक डिस्क। द स्पीड ऑफ द डिस्क इज मेजर्ड इनटू टू पार्ट, डिस्क की जो स्पीड है उसको दो मुख्तलिफ पार्ट में हम लोग करते हैं, एक है ट्रांसफरेंट दूसरा है रैंडम। दिस इज द रेट एट विच द डेटा मूव फ्रॉम डिस्क टू द कंप्यूटर, वो कहता है कि ये वो चीज है ट्रांसफर रेट, जब हार्ड डिस्क से डेटा कंप्यूटर के ऊपर आता है उस दौरान जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर रेट, और जब वो डेटा एक्सेस होता है इट इज सम ऑफ द सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी, कि जो वो आपकी हार्ड डिस्क रोटेट हो रही है उसकी रोटेशन में वो आए काम से दूसरे आम तक जब वो रोटेट होती है वो जो टाइम है वो हमारा रैंडम एक्सेस टाइम होता है और डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको वो एक्सेस करता है। सीक टाइम इज द टाइम टेकन बाय द आर्म टू मूव द रिक्वायर्ड ट्रैक, वो कहता है रिक्वायर्ड ट्रैक को देखते हुए आर्म जो है वो मूव होते हैं और वही उसका सीक टाइम है। रोटेशनल लेटेंसी इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द आर्म टू ईच एंड रिक्वायर्ड ट्रैक सेक्टर इन द ट्रैक, वो कहता है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा वो टाइम लेता है और आर्म्स को कितने मिनट में या सेकंड्स में या नैनो सेकंड में मूव करता है आपके सिलेंडर के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है आपके ट्रैक एंड सेक्टर के लिहाज से। ईच थ्रू द डिस्क इज अरेंज एज सेक्टर एंड ट्रैक फिजिकली, द डेटा इज लॉजिकली अरेंज एंड एड्रेसेस एज एन अरे ऑफ ब्लॉक ऑफ फिक्स्ड साइज, वो कहता है कि ये 512 केबी का, मैंने आपको पहले नहीं बताया, 512 केबी का एक ब्लॉक बनता है जो ट्रैक और सेक्टर को क्रॉस करके बनता है और इसी से अंदर आपका वो डाटा जो है वो स्टोर होता है, एड्रेसेस स्टोर होते हैं, उसका फिजिकल एड्रेस भी हो सकता है, उसका लॉजिकल एड्रेस भी हो सकता है। द साइज ऑफ ब्लॉक कैन 512 और 1028 बाइट्स, वो कहता है कि 1024 बाइट्स हो सकती है या 512 केबी जो है किलो बाइट का ये ब्लॉक हो सकता है। Each logical block is mapped with a sector on the disk. हर ब्लॉक जो है वो logically mapped होता है आपके sector के ऊपर hard disk के ऊपर sequentially एक तरतीब में। In this way, each sector in the disk will have a logical address. हर एक sector का एक logical जो है वो address होता है और उसी address के तहत जो है वो काम कर होता है। आज के lecture में किसी student को question है with